तो हेलो जी, मॉर्निंग सभी को सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। एक बार फिर हम आज जा रहे हैं एक और सफ़र पे, एक और मंजिल पे, जो कि है टुंगनाथ। आज काफ़ी दिनों बाद हम लोग सफ़र पे निकले हैं और आज हमारे साथ हमारे हम सफ़र के हम सफ़र होंगे। मैं आपको भी लोग दिखाऊंगा कि कौन कौन हो गए। तो चलिए चलते हैं, और अभी हो रहे हैं सुबह के 5। सो फ्रेंड्स, हम निकल चुके हैं अपनी मंजिल की ओर और हमने लिया है थानू वाला रास्ता जो एयरपोर्ट होते हुए ऋषिकेश जाएगा। तो फाइनल फ्रेंड्स, हम लोग पहुंच चुके हैं ऋषिकेश और अभी हम बना रहे हैं पेट्रोल। मैं अभी दिखाता हूं आपको, ये है हमारी सवारी जीप कंपस और ये है हमारे साथी सफ़र के, हमारे हम सफ़र 1-2 और 2 इधर है, ये रहे। तो निकलते हैं यहाँ से आगे की ओर, मिलते हैं आपसे आगे। फ्रेंड्स, हम लोग पहुंच चुके हैं ऋषिकेश से आगे शिवपुरी और अभी हम निकल रहे हैं आगे। तो ये सारे हैं, ये मिस्टर हैरी है जिसकी गाड़ी है और बाकी पीछे बैठे हैं। ये हमारे अरविंद जी जिन्होंने होटल बुक कराया और ये किसी कम का नहीं है। फ्रेंड्स, यहाँ पे हमने जो मॉर्निंग का व्यू देखा है, बादल इतने प्यारे लग रहे थे और वो इतने ज़्यादा नज़दीक आ चुके थे, तो हमने गाड़ी रोकी और उसको थोड़ा एंजॉय किया। अब जैसे ही गाड़ी रुकेगी आप देखना कितना प्यारा लग रहा है मौसम। और मौसम को एंजॉय करने के बाद हम निकलते हैं आगे और हमने बजाए फिर गाड़ी में कुछ नए और पुराने गाने। फ्रेंड्स, गाड़ी में बैठा बैठा बहुत बोर हो चुका था, तो मैंने सोचा सनरूफ भी है, सनरूफ का मजा लेते हैं। बट थोड़ी देर के बाद मुझे पता चला सनरूफ इतनी अच्छी भी नहीं होती है क्योंकि इतने ज़्यादा झटके लगते हैं उसमें और इतनी ज़्यादा धूल आपके फेस पे लगती है, तो मैंने सोचा वापस अंदर चलते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे अभी आपको एक ऐसी पिक्चर दिखेगी जिसमें थोड़ा जूम आउट करता हूँ। हो सकता है आप यहाँ से बहुत बार गुजरे हो, आपने कभी नोटिस ना किया हो। अगर आज किसी ने नोटिस किया है तो प्लीज़ कमेंट में टाइप करके बताएं उसने क्या नोटिस किया है। ये लोकेशन देवप्रयाग के पास पड़ती है। तो फिर उसके बाद हम रुकते हैं देवप्रयाग में और वहाँ पे करते हैं हम अपना ब्रेकफास्ट। ब्रेकफास्ट करने के बाद हम फिर से निकल पड़ते हैं अपनी मंजिल की ओर।
फ्रेंड्स, आप लोग सोच रहे होंगे पहाड़ पे चढ़ के और ये रॉड लगा के क्या करते हैं। ये एक तरह की लोहे की ड्रिल है जो लोहे के सरिये को, अराउंड 10 फीट का सरिया होता है, उसको पहाड़ के अंदर पूरा फिक्स कर देती हैं और ये इस पहाड़ के अंदर जगह जगह लगा के रखते हैं ताकि पहाड़ का जो लैंडस्लाइड होता है उसको थोड़ा रोक सके। अभी देखिए किस तरह ये वहां पे चढ़ के काम कर रहे हैं। हैट्स ऑफ टू देम। तो फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं धारी देवी मंदिर के पास और अभी हम यहाँ रुकेंगे नहीं, यहाँ से सीधा चलेंगे क्योंकि अभी हमारे पास टाइम जो है थोड़ा कम है। और अभी हम पहुंच चुके हैं रुद्रप्रयाग। रुद्रप्रयाग से एक रोड कटती है ओखीमठ के लिए। ओखीमठ से जो रोड जाती है वो सीधा चोपटा तक जाती है। अभी हम उसी रोड पर जाएंगे। जैसे ही हम चोपटा पहुंचने वाले थे, चोपटा से करीबन 10 से 15 किलोमीटर पहले हमें दिखी चोपटा और तुंगनाथ की पीक्स। तो फिर क्या था, हमने कसी सीट बेल्ट और हमने गाड़ी को भगाया फुल स्पीड में। चोपटा से 2-3 किलोमीटर पहले ही आपको कैंप साइट्स और रूम्स, होटल्स वगैरह ये सब मिल जाएंगे जो बहुत अच्छे होते हैं। हमने सोचा था कि हम लोग टाइम पर पहुंच जाएंगे पर हमें मिला क्या, जाम। चोपटा से करीबन 3 किलोमीटर पहले ही हमें मिलता है जाम और जो कि 2-2.5 घंटे तक चलता है। दौड़ के चढ़ेंगे। सो फ्रेंड्स, फाइनली हम लोग चोपटा पहुंच चुके हैं। वहां से उसकी एंट्रेंस है और हमें गाड़ी खड़ी करने की जगह यहाँ मिली। बीच में काफी जाम लगा हुआ था, अराउंड काफी टाइम लग गया उसमें। तो अभी हम चलते हैं उस साइड और वहां से स्टार्ट करते हैं। सो फाइनली फ्रेंड्स, हम लोगों ने कर दिया है अपना ट्रैक स्टार्ट और अभी बज रहे हैं 4:45। देखते हैं कितने देर में हम ऊपर पहुंचते हैं। वैसे भी हमारा प्लान रुकने का ही है ऊपर और हमारा होटल भी ऊपर ही बुक्ड है। अभी हम लोगों ने वो जंगल वाला एरिया क्रॉस कर दिया है और हम यहाँ से ट्रैक करते हुए अभी ऊपर आ चुके हैं। बाकी साथी हमारे ऊपर जा चुके हैं ऑलरेडी। अभी हम लोगों को वहां ऊपर जाना है।
और वो है चंद्रशिला का पीक। सो फाइनली फ्रेंड्स, हम लोग पहुंच चुके हैं ऑलमोस्ट ऊपर, और वो है हमारा टुंगनाथ मंदिर, और उसके ही जस्ट बगल में है हमारा वो ग्रीन कलर का होटल। चलिए चलते हैं ऊपर। ऊपर रूम पर पहुंचने के बाद हम थोड़ा सा फ्रेश हुए, थोड़ा सा रेस्ट किया, उसके बाद हमने जो है सनसेट का व्यू एंजॉय किया। सनसेट व्यू एंजॉय करने के बाद हमने निकल पड़ते हैं मंदिर की ओर, क्योंकि मंदिर की आरती का टाइमिंग था 6 बजे। मंदिर की आरती एंजॉय करने के बाद हम लोग वापस अपने रूम पे जाते हैं, रेस्ट करते हैं। तो आज का ये पार्ट यहीं पे ख़त्म होता है। नेक्स्ट पार्ट में आपको हम चंद्रशिला और कल्पेश्वर के सफ़र के बारे में बताएंगे।